ये नौशेरो फरोज की अहम शाहरा है जो नाजायज तजावजात की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क पर हर तरफ खवाजा फरोश और दुकानदारों के तजावजात कायम हैं। कब्जा माफिया ने शहर के कदीम कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा है। कब्रें मसमार करके दुकानें बनाने का अमल जारी है। नाजायज तजावजात के बाइस शहरी परेशान और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। ये इंक्रोचमेंट का मसला इतना है कि टीए में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। यहाँ पर ये अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ये इंक्रोचमेंट रिमूव कराई थी 2 महीने पहले, लेकिन अभी सूरत हाल वही है कि आदमी गुजर नहीं सकता, पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। शहर भर में सरकारी और निजी अमला पर कब्जे हो रहे हैं और ये जो कब्रिस्तान है इसके ऊपर भी कब्जा हो रहा है। शहरी इंतजामिया ने कुछ अरसे पहले तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की, मगर इसके बावजूद कब्जा माफिया के हौसले पुस्त नहीं हो सके हैं। यहाँ पर नौकरियाँ भी हुकूमत नहीं देती और कोई कारोबार भी नहीं है, और अगर हमसे रेडे उठवाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई और भी कारोबार का जरिया नहीं है, यही बस जरिया है। अभी ये जो है बोलता है ये रेडे बेड़े निकालो, हम रेडे निकाले तो किधर से रोजी करेगा? अब अभी 30 रुपये किलो आटा हो गया है, 70 रुपये किलो खंड हो गई है। अवाम का कहना है कि इंतजामिया अगर संजीदा हो तो तजावजात से छुटकारा मुमकिन हो सकता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर से तजावजात की भरमार आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने की जरूरत है। कैमरामैन हुसैन सुमर के साथ जायद राज पर समा नौशेरो फिरोज।